जिला मुख्यालय धर्मशाला में यूथ कांग्रेस द्वारा पेट्रोल डीजल कीमतों में वृद्धि के विरोध में अलग अंदाज में प्रदर्शन किया, जिसके तहत युवा कांग्रेस कार्यकर्ता दोपहिया वाहनों को रस्सी डालकर खींचते हुए नजर आए। वहीं युवा कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर युवा कांग्रेस ने डीसी कांगड़ा के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा, जिसमें पेट्रोल व डीजल कीमतों को कम करने की मांग की गई है। कांगड़ा चंबा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विजय इंद्र कर्ण ने कहा कि हमारी मांग यही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम 5 मार्च 2020 से पहले जो थे उसी तर्ज पर किए जाएं। पिछले 6 साल में मोदी सरकार ने पेट्रोल व डीजल में एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि करके 18 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। कच्चे तेल के दाम लगातार गिर रहे हैं, जबकि देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि पेट्रोल पर डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों पर रोक लगाए और लोगों को राहत प्रदान की जाए। यदि हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो कांग्रेस लोगों के बीच जाकर आंदोलन को और उग्र करेगी। देखिए, ये जो लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की जा रही है, इसके विरुद्ध हमारा जिला स्तरीय युवा कांग्रेस का ये प्रदर्शन आज धर्मशाला में किया गया है। इसमें हमारे जिला कांगड़ा के जितने भी AYC अध्यक्ष हैं वो सब इस प्रदर्शन के लिए आए हैं, और हम युवा कांग्रेस की तरफ से ये मांग करते हैं, ये जो अनावश्यक वृद्धि प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल के दामों में हो रही है, इसे केंद्र सरकार वापस ले। देखिए, अगर अभी तो हम महामहिम राष्ट्रपति जी को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के थ्रू ज्ञापन सौंप रहे हैं और अपनी बात विनम्रता पूर्वक रखने की कोशिश कर रहे हैं, और मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये वृद्धि को वापस लें। अगर नहीं उस पर कोई कार्रवाई होती तो आने वाले समय में ये प्रदर्शन और उग्र होगा, और लोगों के बीच में हम लोगों का साथ लेके इस प्रदर्शन को और आगे लेके जाएंगे।